तो दोस्तों बात करेंगे एसएससी सीपीओ 2024 के टीयर वन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। कैटेगरी वाइज दोस्तों हम कट ऑफ जो है देखेंगे, और ये कट ऑफ दोस्तों मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि यही नंबर यानी कि यही कट ऑफ जो है क्यों जा सकती है, इसके पीछे का जो कारण भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन देखेंगे कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट ईजी थी, किस शिफ्ट में कितने मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। ऑल इंडिया रैंक की दोस्तों लिस्ट देखेंगे और कितने मार्क्स वाला फिजिकल की दोस्तों तैयारी अपनी स्टार्ट कर दे, ये हर एक चीज दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक भी दोस्तों अगर आपने एसएससी अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको एसएससी से रिलेटेड हर एक चीज मिलती रहे। और दूसरी चीज दोस्तों, अपना ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म 2024 के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मैंने डाला था कि ऑल इंडिया का जो टॉपर है दोस्तों, ऑल इंडिया का टॉपर आदित्य नाम है उसका, तो वो अपने साथ कनेक्टेड है। ठीक है, उसने अपने से गाइडेंस भी ली थी, तो उसके दोस्तों मैं आपका स्कोर दिखा देता हूं। आप भी जो है ऐसा कुछ आगे सीजीएल का पेपर, एमटीएस का पेपर है, टोटल 182 नंबर दोस्तों उसके आए हैं, रा स्कोर है ये। मैथ्स के अंदर 50 में से 50, रीजनिंग में दोस्तों 50 में से 50, इंग्लिश में 40.25 यानी कि एक ही क्वेश्चन गलत है, और जीके में भी दोस्तों बहुत नंबर है 37.75। ठीक है, तो दोस्तों मेरी तरफ से आदित्य को शुभकामनाएं, और ये आगे जो सीपीओ का फाइनल रिजल्ट आए उसमें भी ये टॉप करके दिखाए। ठीक है, तो ऐसी दोस्तों अपनी थ्योरी रखनी है कि मैथ और रीजनिंग में तो अपने बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। ठीक है, अब इंग्लिश का पेपर होगा सीपीओ, उसमें भी काफी मेहनत जो करके जो है आप जो है अच्छे मार्क्स ला करके इसके अंदर नौकरी पा सकते हैं। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि इसके अंदर फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे, जो सीपीओ के दोस्तों फॉर्म भरे गए थे वो कितने अप्लाई हुए थे दोस्तों, 7,34,000, जिसके अंदर यूआर कैटेगरी के 1,22,000 थे, ओबीसी के 2,86,000, ईडब्ल्यूएस के 68,000, यानी कि सबसे ज्यादा जो फॉर्म फिलअप हुए हैं वो ओबीसी कैटेगरी से हैं। एससी कैटेगरी के भी दोस्तों अच्छे खासे फॉर्म फिलअप हुए हैं, यूआर कैटेगरी से भी ज्यादा फॉर्म। एसटी के दोस्तों 87, यानी कि सबसे कम जो फॉर्म फिलअप हुए हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ही हुए हैं। ठीक है, और इसमें से अपीयर दोस्तों यानी कितने एग्जाम कैंडिडेट ने पेपर दिया होगा, लगभग 3,30,000 के आसपास जो कैंडिडेट हैं उन्होंने एग्जाम दिया होगा, या थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, 2023 में दोस्तों 8,28,000 फॉर्म भरे गए थे, इस बार वैकेंसी भी अच्छी खासी है, तो अच्छा चांस आपके लिए। तो अब देख लेते हैं दोस्तों शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन के बारे में। आपको पता कि 9 शिफ्ट में आपका जो है पेपर हुआ था, सभी का अलग अलग पेपर, यानी कि अलग अलग शिफ्ट में पेपर होने की वजह से नॉर्मलाइजेशन का मेथड लगाएगा, यानी कि सबसे इजी शिफ्ट इसमें कौन सी है, 28 जून की जो सुबह 9 बजे की है। ठीक है, यानी कि जो 28 की मॉर्निंग शिफ्ट दोस्तों, इसमें 117.45 इतने एवरेज स्कोर बन रहा है, और हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सी है 28 की 12:30, यानी कि इसमें कितना बना, 106 नंबर। तो यानी कि दोस्तों इस इजी का मतलब क्या है कि इसके मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे, हार्ड वाले के मार्क्स दोस्तों कितने इंक्रीज हो सकते हैं, 11 नंबर तक इसके इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया 27 की अगर हम मॉर्निंग की बात करें, 116 नंबर है, इसका एक नंबर इंक्रीज हो, इसका भी एक नंबर इंक्रीज हो सकता है। 27 की इवनिंग वालों के दोस्तों 3 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं 4 नंबर तक। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप ये डाटा मैच कर सकते हैं, और ऑल ओवर एवरेज जो है 114, यानी कि ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो लगभग आपके 4 नंबर के आसपास जो है नॉर्मलाइजेशन के कारण जो कट ऑफ है वो दोस्तों 4 नंबर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों ये है। बाकी कैटेगरी वाइज डाटा भी है दोस्तों अपने रैंक गुरु जी पे, 19,000 कैंडिडेट का जो है डाटा जो था अभी इंक्रीज हो चुका होगा। तो और दूसरी एक और इन्फॉर्मेशन दोस्तों, एसएससी सीजीएल और 24 के फॉर्म के आपको पता है 24 जुलाई है, और एमटीएस के आई थिंक 31 जुलाई है, तो इस लास्ट डेट का वेट ना करो, जल्दी से दोस्तों अपना फॉर्म फिलअप कर दो, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपके एरर आएगा, किसी की कोई फोटो की दिक्कत रह जाएगी। कभी कभी क्या होता है, जब लास्ट टाइम भी हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें क्या होता है, दिक्कत आ जाती है, और वो फॉर्म हमें लगता है कि सही हो गया, या तो हो सकती है इन चीज़ों के कारण जो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूं दोस्तों, अभी दोबारा से आप लोगों को सजेशन दे रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक तरह से, कि भाई अपना फॉर्म जो है जरूर जल्दी से जल्दी फिलअप कर दें, अब ज़्यादा टाइम नहीं है। और मॉर्निंग में दोस्तों अगर आप फिलअप करेंगे 6 से लेकर 9 बजे तक तो बेस्ट रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी तक। ठीक है, इवनिंग में अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे इस टाइम रात के 8-9 बजे तो आपको थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों एमटीएस के लिए एक बुक आई है, इसके बाद दोस्तों हम सीपीओ की कट ऑफ के ऊपर चलेंगे। ई विद्या की तरफ से दोस्तों एसएससी एमटीएस के लिए कॉम्बो पैक निकाला गया है,
एक तो दोस्तों कॉम्बो पैक में क्या है, गाइड बुक है जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया, मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके के बारे में, ठीक है, उसके बारे में बताया कि कौन से टॉपिक से क्या कुछ है, ठीक है। फिर दूसरा दोस्तों पीवाई के सोल्ड पेपर दे रखे हैं जिसके अंदर आपका जो है ई विजन है 26 सोल्ड पेपर इसके अंदर जो है दे रखे हैं। एक बार इसका बुक का रिव्यू दोस्तों हम कर लेते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले जो गाइड बुक है इसके अंदर करंट अफेयर्स दे रखी है, और करंट अफेयर्स भी मैं आपको बताऊं कब तक की, 12 जून तक, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट 12 जून 2024, जो कि चंद्रबाबु नायडू ने जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो दोस्तों ये दे रखा है, उसके बाद ये पेपर वगैरह दे रखे हैं और इनका जो है सॉल्यूशन भी दे रखा है डिटेल्ड में। दूसरा दोस्तों ये गाइड बुक में ये वाली चीज दे रखी है, मैथ का ये समझा रखा है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपका क्या है अगले बुक में क्या है, ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, सोल्ड पेपर दे रखे हैं 2023 के, और फिर जो है प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। तो इनको दोस्तों आप जो है लगा सकते हैं, ये इस तरह से डिटेल्ड के अंदर सॉल्यूशन दे रख, बुक वही लेनी चाहिए दोस्तों जिसके अंदर जो है डिटेल्ड के अंदर सॉल्यूशन दे रखा हो। तो इस ई विद्या की बुक को दोस्तों लेने का लिंक मैंने, दोनों बुक को लेने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से आप इनको डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अपने सीपीओ की कट ऑफ के ऊपर। तो इसके अंदर आपको पता कि अच्छी वैकेंसी इस बार आई है, किसकी, सीआईएसएफ की आई है। दिल्ली पुलिस की इस बार थोड़ी सी कम है पिछली बार के मुकाबले में, 101 वैकेंसी मेल की है और फीमेल की 61 वैकेंसी है। सीआईएसएफ की 1437 और इसमें 160, 1538 वैकेंसी और 200, यानी कि ये ही बेस्ट जो है वैकेंसी हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर। जैसे कि वैसे तो दोस्तों सब इंस्पेक्टर की नौकरी कोई खराब नौकरी नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें या थोड़ा हम रिलैक्सेशन की बात करें तो सीआईएसएफ की नौकरी जो है इनसे, बीएसएफ से, सीआरपीएफ से, आईटीबीपी से, इनसे थोड़ी सी क्या है बेहतर है। जैसे कि इनकी एयरपोर्ट वगैरह पे ड्यूटी आती है, ठीक है, इस तरह से जो है इनकी ड्यूटी लगती है। 1538 वैकेंसी और यानी कि अच्छा मौका आपके पास। ऑल ओवर कितनी है, 3818 है मेल की और 379 किसकी है, फीमेल की है, ठीक है, लगभग 4100 के आसपास ही वैकेंसी आपकी हो गई है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों आगे की, ये मैंने थोड़ा सा और इसको अच्छे से कलरफुल बना करके जो है डाल दिया कि 3794, यानी कि मैंने इसमें क्या किया, जो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है वो हटा दी है सिर्फ, ठीक है। बाकी ये डाटा दोस्तों आप जो है देख सकते हैं अच्छे वे में आपको जो है दिख जाएगा। फिर दोस्तों ये 2022 की वैकेंसी है, 2023 की वैकेंसी है, आपको पता कि 22 में 3971 वैकेंसी थी और इस बार कितनी दोस्तों आपकी 3794, यानी कि 22 के मुकाबले में थोड़ी सी वैकेंसी आपकी कम है। तो हालांकि फीमेल की वैकेंसी 22 में कम थी, इस बार क्या फीमेल की वैकेंसी अच्छी खासी है। फीमेल कैटेगरी की दोस्तों जो कट ऑफ है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। इस बार दोस्तों थोड़ा सा टाइम की वजह से जो है थोड़ा सा डिले हुआ है मामला। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2019 के अंदर मेल की इतनी वैकेंसी थी, लगभग 16-17 गुना जो है यहाँ पे बुलाए गए थे, ठीक है। 2020 में, फिर 2022 में दोस्तों 21 में नहीं हुआ था एग्जाम, 2022 में ये लगभग है दोस्तों 15.91 गुना, ठीक है, 15. लगभग 16 गुना के आसपास। फिर 2023 में दोस्तों लगभग 16.74 के आसपास जो है बुलाया गया, यानी कि 2022 और 23 में क्या डिफरेंस आया कि जब वैकेंसी ज़्यादा थी तो थोड़े से कैंडिडेट कम बुलाए गए, जब वैकेंसी कम थी तो थोड़े से कैंडिडेट क्या किया गया, ज़्यादा बुलाए गए, उसकी वजह से दोस्तों क्या हो जाता है कट ऑफ में भी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये डाटा जो है 2022 से मिलता जुलता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वैकेंसी दोस्तों अच्छी खासी है इस बार, तो 4019 यानी कि 2022 के अंदर जो टोटल वैकेंसी थी मेल कैंडिडेट की वो 4019 थी और 2024 के अंदर 3818 है। इसमें इंक्लूड किया है मैंने ESM को भी, जिसके अंदर पास हुए थे 63,945। इस बार दोस्तों अगर ये 15.91 गुना है और इसको भी मैंने 15.91 गुना ही मान लिया कि जैसे कि सीपीओ 2022 के अंदर बुलाया गया था वैसे ही कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो 15.91 यानी कि लगभग 60,744 कैंडिडेट इसके अंदर बुलाए जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर ESM भी इंक्लूड, अगर इनको हटा देंगे तो 2-3 हज़ार के आसपास जो है कम हो जाएंगे, यानी कि 57,000 के आसपास जो है कैंडिडेट को बुलाया जाएगा ESM कैटेगरी को छोड़ करके, ठीक है। धीरे धीरे दोस्तों चीज़ें समझ में आएंगी आपको, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको हाँ ये पता लगेगा कि यार ये कट ऑफ इसलिए जाएगी इतनी, ठीक है। ये मैंने जो भी कट ऑफ में लिखूंगा आपने देखा होगा अक्सर क्या करते हैं लोग कि आए और सारी चीज़ कुछ चीज़ें बताई और फिर जो है कट ऑफ को थमा दिया कि भैया ये कट ऑफ जाएगी, तो दोस्तों ऐसा नहीं करते हम, कभी भी नहीं करता। मैं रीज़न बताता हूँ कि ये कट ऑफ ये नंबर मैं क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, उसका कारण जो है मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों यूआर कैटेगरी की जो वैकेंसी है इतनी है, ओबीसी की इतनी है, ईडब्ल्यूएस की इतनी है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी के 2022 के अंदर 4.13 गुना यानी कि इतने कैंडिडेट को बुलाया गया था, इसके हिसाब से जो है इतने कैंडिडेट को जो है 2024 के अंदर बुलाया जाएगा, ठीक है। ये सीपीओ 2022 के जो है ओबीसी में दोस्तों 21.47 गुना को बुलाया गया,
इसी तरह दोस्तों ये मैंने सारा डाटा लिख दिया कि इतने इतने यानी कि 57,793 कैंडिडेट जो हैं बनते हैं, प्लस में ईएस में यानी कि लगभग 60,000 प्लस कैंडिडेट, 60,000 के आसपास जो कैंडिडेट ये बन गए हैं, ठीक है। तो ये 63,945, क्योंकि मेल कैंडिडेट की जो वैकेंसी है वो सीपीओ 2022 से क्या है, कम है, ठीक है। और इस बार दोस्तों मेल और फीमेल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि फीमेल की अच्छी खासी वैकेंसी है, उसका मैं एनालिसिस दोस्तों लेके आऊँगा, टाइम की वजह की प्रॉब्लम की वजह से दोस्तों मैं नहीं लेके आ पा रहा, ठीक है। तो ये दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर कट ऑफ यूआर कैटेगरी की 2023 के अंदर 138 थी और 2022 के अंदर कितनी थी, 115 कट ऑफ थी, ठीक है। वहीं पर अगर बात करूं फिर ओबीसी के 131 थी और यहां पर 102 थी, यानी कि काफी डिफरेंस था। ईडब्ल्यूएस की दो नंबर यहां पर ज्यादा थी, 133 थी और यहां पर 103, यहां पर एक नंबर ज्यादा थी, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है दोस्तों, हालांकि फॉर्म कम है लेकिन उनकी वैकेंसीज भी बहुत कम होती हैं और उनमें अच्छे कैंडिडेट होते हैं तो वो अच्छे नंबर ले आते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों मार्क्स अच्छे खासे हैं। तो बाकी एससी की और एसटी में एक नंबर का डिफरेंस रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों क्या है, एक नंबर का डिफरेंस रहा है। यहाँ पर ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ तो 29 नंबर का डिफरेंस रहा है, ठीक है, या फिर 28-29 नंबर का। यहाँ पर अगर हम बात करूँ दोस्तों लगभग कितने का, 35 नंबर के आसपास डिफरेंस रहा है, ठीक है, जो यूआर कैटेगरी से एससी एसटी कैटेगरी की कट ऑफ है, ठीक है। तो यानी कि डाटा कहाँ घूम रहा है, जो यूआर कैटेगरी कट ऑफ और इसकी कट ऑफ है लगभग 30 नंबर के आसपास, 28-30 नंबर के आसपास घूम रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों, ये लेटेस्ट वाली चीज़ें जो मैंने आपको समझानी थी वो मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब दोस्तों मेन चीज़ पे चलते हैं, जो अपनी जिसके बेस के ऊपर जो कट ऑफ बनी है, ठीक है, धीरे धीरे करके ही, क्योंकि एक चीज़ से दोस्तों कट ऑफ नहीं बनती, तभी जाके थोड़ा सा मैं बिजी था थोड़ा सा, इसलिए दोस्तों आपको कट ऑफ नहीं बता पाया या एनालिसिस नहीं कर पाया, क्योंकि जल्दबाजी में बता देता दोस्तों वो चीज़ें सही नहीं रहती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों, आगे अगर मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं कि 150 से ऊपर जो कैंडिडेट हैं लगभग 4,500 कैंडिडेट हैं, ठीक है, 140 से ऊपर दोस्तों 10,000 कैंडिडेट हैं, 135 से ऊपर दोस्तों 14,000 कैंडिडेट हैं, ठीक है। धीरे धीरे आप देखेंगे कितने कैंडिडेट ज़्यादा हैं इतने मार्क से, 130 से ऊपर दोस्तों 18,000 कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो यानी कि इससे नीचे तो आप देख ही सकते हैं कितने कितने कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर हैं। ये क्या है, रॉ स्कोर है। अब दोस्तों ये क्या है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर, थोड़ा सा मैंने हिंट भी दे दिया था यहाँ पे। टोटल ये डाटा दोस्तों सैंपल लिया गया है 59,000, यानी कि 60,000 के आसपास का डाटा है। तो 150 से ऊपर दोस्तों 7,000 कैंडिडेट हो जाते हैं, यहाँ पर रो स्कोर में कितने थे, 45, यानी कि 3-4 नंबर बढ़ने की वजह से क्या हो गया, 7,000 कैंडिडेट हो गए। तो इस तरह से धीरे धीरे करके दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 132 से ऊपर कितने हैं, 20,000 कैंडिडेट हैं, और यहाँ पर 127 से ऊपर कितने हैं, 20,000 कैंडिडेट हैं लगभग। तो लगभग 4-5 नंबर का यहाँ पर थोड़ा सा मैंने अप्रोक्सीमेटली भी कर दिया है, ठीक है। यानी कि ये वाली चीज रॉ स्कोर में और ये वाली चीज नॉर्मलाइज स्कोर में क्या है, इक्वल है, ठीक है, इक्वल है 20,000 कैंडिडेट। ये चीज है दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी कि 20,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके 132 से ऊपर नंबर ज्यादा है। अब आपको ये पता है, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले चलता हूं यहां पर, ठीक है, कि जब ये 63,945 कैंडिडेट को पास किया गया था तब यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ को पार कर रहे थे वो कितने कैंडिडेट थे, लगभग 31,000 के आसपास, यानी कि 50% कैंडिडेट क्या करते हैं दोस्तों, यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को पार कर लेते हैं। अब थोड़ा सा और मैं आपको पीछे ले चलता हूं, जहां पर ये है 2023 के अंदर 28,633 कैंडिडेट थे, यहां पर दोस्तों लगभग 13,800 के आसपास जो यहां पर यूआर कैटेगरी कट ऑफ को पार कर रहे थे, तो यानी कि 50% कैंडिडेट। अब दोस्तों आपको पता कितने कैंडिडेट ने पास करना है, ये मैंने आपको बताया कि कितने कैंडिडेट ने पास करना है, लगभग 60,000 कैंडिडेट ने, यानी कि 30,000 कैंडिडेट क्या होने चाहिए, जो यानी कि 30,000 तक जिसका रैंक होगा वो वही क्या होगी, यूआर कैटेगरी की कट ऑफ होगी, ठीक है। दो एग्जांपल मैंने आपको बता दिए कि जब पिछली बार ये 63,000 कैंडिडेट पास हुए थे तो क्या था कि उसमें से 50% कैंडिडेट ऐसे थे जो यूआर कैटेगरी कट ऑफ को पार कर रहे थे, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों ये वाली चीज है कि 20,000 थे, तो यानी कि इतने कितने कौन से नंबर ऐसा लगेगा जिसमें आपके 30,000 कैंडिडेट जो है पार कर रहे होंगे। थोड़ा सा पिछले साल का डाटा दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं, ये मैंने एनालिसिस किया था लास्ट टाइम में कि 140 नंबर पे आपकी जो है लगभग 139 पॉइंट समथिंग कट ऑफ आपकी गई थी, 140 मान लेते हैं, पॉइंट्स कोटा देते हैं, तो 13,800 कैंडिडेट दोस्तों पास हुए थे, कितने में से 28,633 में, यानी कि 13,800 कैंडिडेट ऐसे थे
जो 140 से ऊपर नंबर लेकर आ रहे थे। पिछली बार जो डाटा था दोस्तों वो 43,000 का था अपने पास, और जिसमें नॉर्मलाइज्ड स्कोर 140 से ऊपर 8400 थे, लेकिन एक्चुअल में कितने मिले वो 13,800। ठीक है, यानी कि इसका लगभग दोस्तों क्या करेंगे, अगर इसमें से वो हटा दे फीमेल कैटेगरी तो लगभग दोस्तों 1.5 से लेकर 2 गुना तक, यानी कि 2 गुना तक कैंडिडेट क्या किए गए थे, डबल हमें करने पड़ेंगे। तो यहां पर दोस्तों अपने पास कितने हैं, 20,000 कैंडिडेट है। तो इसका अगर मैं 1.5 मल्टीप्लीकेशन भी लूं मिनिमम, तब भी दोस्तों क्या बनते हैं 30,000, यानी कि एक्चुअल में जो ऑल इंडिया में रैंक होगा ना वो 132 से ऊपर ज्यादा नंबर कैंडिडेट कितने होंगे, 30,000 बच्चे ऐसे होंगे जो 132 से ज्यादा नंबर लेकर आ रहे होंगे। ठीक है, 132 से ऊपर ज्यादा नंबर लेकर आ रहे होंगे जो 30,000 बच्चे होंगे, और टोटल कितने पास करने हैं, 60,000 पास करने हैं। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों जो अपनी कट ऑफ निर्धारित हुई है वो लगभग क्या है दोस्तों 132 के आसपास है, यहां पर 135 के आसपास देखें 17,500 कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो यानी कि 132 के नियर बाय अपनी जो है कट ऑफ यहां पर रहने वाली है। ठीक है, यहां पर दोस्तों कितनी रहने वाली है, 132 ही, और ये मैं इसका रफ आइडिया आपको 7 जुलाई को दे चुका, मैंने हल्का सा एनालिसिस दोस्तों इसके ऊपर कर लिया था, और अब मैंने कंप्लीट एनालिसिस भी करके देख लिया कि यही कट ऑफ दोस्तों आपकी बनकर निकलकर आई है। इसलिए अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, और अब ये दोस्तों कितने नंबर वाला तैयारी करेगा वो भी आप चेक कर लेना, और कट ऑफ दोस्तों क्या रहने वाली है, यूआर कैटेगरी 132, ओबीसी की 122, ईडब्ल्यूएस की दोस्तों 123, एससी की 102 और एसटी की 98। ठीक है, इसमें दोस्तों कितने हो गए, 5400 कैंडिडेट, 11,800, 132 से ऊपर यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट कितने हैं, 5400 हैं, ओबीसी के दोस्तों 11,800 हैं, ईडब्ल्यूएस के 5,000 हैं, एससी के 4300 हैं और एसटी के 2,000 हैं। ठीक है, और 132 से ऊपर दोस्तों कैटेगरी वाइज डाटा आपके सामने ये है, जो मैंने आपको बताया कि कैटेगरी वाइज डाटा 132 से ऊपर नंबर लेकर आने वाले कितने कैंडिडेट है यूआर के, 5400। ठीक है, 5400। थोड़ा सा और मैं आपको दिखा देता हूं हल्की सी चीजें दोस्तों, एक बार आप थोड़ा सा रुकिए, तो यहां पर आप देखेंगे ये वाली चीज तो 2024 के अंदर दोस्तों कितने 5400 कैंडिडेट है ना, तो लगभग जो है 6300 कैंडिडेट जो है यहां पर पास होंगे किसके, यूआर कैटेगरी के। 2022 में कितने हुए थे, लगभग 6500 के आसपास, तो इतना तो मल्टीप्लिकेशन बनेगा, यानी कि दोस्तों इसके एक दो नंबर का कोई डिफरेंस इसके अंदर रह सकता है। 130 से नीचे कट ऑफ दोस्तों मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंगल से जाएगी, अगर जाएगी तो दोस्तों वो किस एंगल में जाएगी, जब बच्चे 60,000 से ज्यादा 63,000 के आसपास जो है पास हो जाए तब दोस्तों आपकी ये वाली कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, अगर ये कैंडिडेट जो है 63,000 के आसपास जो है पास हो जाए। अब बात कर लें दोस्तों कितने नंबर वाला फिजिकल की तैयारी जो है स्टार्ट करे, तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का खेल है, 2-4 नंबर की ऊपर नीचे हो सकती है, यानी कि मैं ये कहूंगा कि अगर माइनस के 4 नंबर आपके इससे कम है, माइनस के 4 नॉर्मलाइजेशन मैंने हटा दिया, 125 नंबर हैं, ठीक है, या इनमें से 4-4 नंबर और कम कर दो सभी में, तो आप जो फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपके मेंस में आपने बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज अपने सीजीएल के ऊपर फोकस रखिए, ताकि आप ऐसा ना हो कि इसको भी खो दें और उसको भी खो दें, कि फिजिकल की तैयारी में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दें, वहाँ पर सीजीएल का जो है टीयर वन में दिक्कत आए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें ना करें, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लें कि मैंने आपने जो है क्या करना है। ठीक है, तो मेंस के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, तब तक दोस्तों मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, और अपने टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म 2024 के नाम से, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया जिसने तो कर लीजिए। थैंक यू।